पीना पड़ेगा आपको, आप आइए बैठिए बैठिए बैठिए, आप यहाँ बैठिए, हम अभी आपकी सुपुत्री को बुला कर लाते हैं चाय के साथ, बैठिए बैठिए। हमारी समझे? अरे बंसु कहाँ हो तुम? पापा आ गए क्या? अब तक तो नहीं आए। तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो? हमें पता था नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा नाराज हूँ। अच्छा सुनो, हम घर होके आएंगे एक बार। अरे नहीं नहीं बंसु, आ जाएंगे, वो अभी वक्त है, तुम आ जाओ, तुम्हें तैयार भी तो होना है। अरे अगर जरूरत पड़ी तो लेके आएंगे हम, ठीक है? तुम हो कहाँ? बस एक आखिरी काम बाकी है, फिर आ रहे हैं। अरे बंसु आज के दिन कौन सा जरूरी काम है यार? अरे आज के दिन तुम्हारे सारे जरूरी काम हमारे साथ होने चाहिए, आफ्टर ऑल हमारा रिसेप्शन है आज यार। कैसे बताए तुम, तुम्हारे लिए सरप्राइज है एक। हेलो हेलो, माता रानी हेल्प करना प्लीज। गर्मा, अरे आप अभी तक खड़े ही हैं? अरे बैठिए, लाओ भाई चाय दो, ले लीजिए चाय। धन्यवाद, हमें 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 चाय नहीं चाहिए, अब प्लीज काव्या को बुला दीजिए। अरे अंकल जी आप बैठिए तो सही, हम काव्या को खबर पहुंचा दिए हैं कि आप आए हैं, वो कहा है कि रिसेप्शन है ना, तैयार होने में थोड़ा समय लग रहा होगा, तब तक आप चाय पी जाइए, बैठ बैठ। अरे बैठिए जी, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, रिश्तेदारी को मजबूत बनाना है, चाय पीजिए, बहुत स्पेशल बनवाए हैं आपके लिए। अरे चाय पीजिए अंकल जी। अब होगा असली धमाल, जिससे काव्या होगी गुस्से में बेहाल। आदि और उसके बीच होगा बवाल, और काव्या खुद को देगी घर से निकाल। क्या बेवकूफी है, अंदर कैसे आई तुम? वो सब छोड़िए आप, ये देखिए आपके काम की चीज है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी कलेक्टर मैडम से, वो तो कमिश्नर पांडे जी के कहने पर मैंने वार किया। कमिश्नर पांडे जी आपको बहुत धमकाए थे और बोले अगर ये काम नहीं करोगे तो हम आपको बहुत सताएंगे। क्या करता, मजबूर था। कमिश्नर पांडे ने धमकाया होगा पर हमला तुमने किया, गुनहगार तुम भी हो, जेल तुम भी जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमारे बीवी बच्चे, तीन बेटियां दो बेटे, हम जानते हैं, अब याद आ रही है उनकी? जब तुम जेल में सड़ोगे तब उनके साथ क्या होगा ये सोचा एक बार भी? गुंडे के बच्चे कहलाएंगे वो, और बड़े होके वो भी गुंडे ही बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ हो गया हमसे। हम प्रायश्चित करने का मौका दे सकते हैं, जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका भी दे सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें सरकारी गवाह बनना होगा, दुनिया के आगे सच बोलना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। अंकल जी ठीक हो आप? अरे संभाल के अंकल जी, अरे ऐसे गिर पड़ के चलिएगा तो कैसे होगा?
काव्या। रे रे सत्यानाश, अबे अंधे हो का? क्या कर दिए? अच्छा शेरवानी पूरा सत्यानाश। ओ अंकल जी, आई एम सो सॉरी। हो गया से? गधा। सो सॉरी अंकल जी, सो सॉरी। हाँ सुनिए ना, आप एक काम कीजिए, आप कपड़ा बदल लीजिए। आइए आइए, मैं काव्या से मिलना था। अरे मिल लीजिएगा अंकल जी, देखिए कपड़ा एकदम गीला हो गया, रिसेप्शन में जाएंगे अच्छा लगेगा। फिर आप आइए ना, कपड़ा बदल लीजिए, चलिए चलिए। पुलिस हमारे घर पहुंच चुकी है, उन्हें वहां से हटवा दीजिए, वरना ये रिकॉर्डिंग यहाँ से सीधा क्राइम ब्रांच जाएगी। हम चाहे तो अभी के अभी आपके हाथों में हथकड़ियां डलवा सकते हैं, पर आपकी एक बेटी की तबीयत खराब है और दूसरी हमारी जेठानी है, जिनको दुख हम नहीं देंगे, क्योंकि अपने परिवार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब आप बताइए, आप क्या चुनेंगे? दो ऑप्शन है आपके पास, अपनी दोनों बेटियों को बिन बाप के छोड़ेंगे, या फिर सच और सही का साथ देंगे जिसकी आपने शपथ ली थी। बोलिए सर। हमने आदि से शादी की है, हमने उसे चुना, और हमें हमें पूरा यकीन है कि आदि इन बाकी लोगों की तरह नहीं है। गंदगी में रह के कुछ मैला ना हो काव्या, ऐसा मुमकिन नहीं है। झूठ बोलकर हमें यहाँ बुलाना, सबके सामने जलील करना, और आदि का हमारा साथ देना, अगर तुम कहती हो कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, तो हमारा दिल ये नहीं मानता। एक साजिश है काव्या, अब तुम शायद ना चाहते हुए भी इस साजिश में बराबर की भागीदार हो। एक सच पता चला हमें काव्या, हमने अपनी बेटी को पैदा नहीं किया है बल्कि खो दिया है। ये एक साजिश है काव्या, शायद ना चाहते हुए भी इस साजिश में बराबर की भागीदार हो। राजीव बंसल की चाय किसने बनाई थी? कौन है वो कलाकार? जूते का हार पहनाना चाहते हैं हम उसे।
नहीं नहीं जम गया बोल तो क्यों नहीं ओमी जी सबका हिसाब किताब करो आधी तनख्वाह देकर के निकालो इनको घर से बाहर अबे क्या भी निकालो इन सबको अरे बोलना अगर किया है तो साहब हम कुछ नहीं कह साहब कोई तो है हमारे बीच में जो कुछ बोल नहीं रहा है सामने आके बोले अपनी पापा पापा आप कहाँ इतना हाइपर हो रहे हैं आप चलिए हम मुंह खुलवाते हैं इन सब का हाँ बहुत चर्बी जम गई ना तुम लोगों की ए निकलो सब जना निकलो यहाँ से आते हैं हम जाओ यहाँ से पापा हम पता करके आते हैं मम्मी कहीं वो छिपे हुए कलाकार तुम तो नहीं हो शादी हो गई हमारी पर ना घर सजाया ना हल्दी गाई ना हमारे संगीत में नाचे ना गले लगा के हमें विदा किया और आशीर्वाद भी नहीं दिया हमें शायद भगवान को लगा होगा कि अगर हमें तुम और पापा दोनों मिल जाओगे तो हमारा प्यार दुगना हो जाएगा और हम उसके लायक नहीं है इसलिए एक को छीन लियो हमें दोनों चाहिए आदि तुम दोनों चाहिए हमें हम कैसे भी करके उन्हें मनाएंगे तुम हेल्प करोगे ना हमारी अरे तुम रोक के देखो हमें हाँ वैसे बंसु एक और चीज अधूरी रह गई है क्या अपनी बीवी के साथ डांस आधा तुम पे उधार है हाँ अरे क्या बोल रहे हैं पापा आप देखो और राजीव बंसल हमें फूटी आंख नहीं भाता है वो और उसकी बेटी जब भी हमें दिखते हैं तो हमारा फ्यूज उड़ जाता है लेकिन अब वो हमारा समधी है अगर उस पर कीचड़ उछलेगा ना तो दाग हम पर भी पड़ेंगे और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे समझ रहे हो जाके पता करो कौन है वो जी 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 पापा संतू जी भाभी जी ये कैमरा काम करता है करता ही होगा टूटा डब्बा हो बंदा बड़े साहब हटा के फेंकवा देते हैं हमें इसकी रिकॉर्डिंग चेक करनी है पापा घर में आने के बाद किस किस से मिले ये देखना है हमें ये सही है भाभी जी एक बार वो आदमी मिल जाए तो अगर गर्दन पकड़ के घुमाए घुमाए के घुमाए घुमाए ऐसा कचरेंगे ना क्योंकि दिमाग जो है ठिकाने पे आ जाए हाँ पर पहले रिकॉर्डिंग चेक करनी ले लीजिए भाभी जी ये क्या कर रहे हो बताते हैं पर इसे तुम ऊपर क्यों छोड़े दिखाता ये क्या किया रिकॉर्डिंग इसी में बंद है ना संतू इसमें रिकॉर्डिंग होती है पर वो एक कमरे में देखी जाती है गेंद बाउंड्री के बाहर भरी रहा चौका तभी मैं सोचूं कि ये गार्ड लोग जो है दिन भर टीवी का है देखते रहते हैं तुम नीचे आओ चलिए आपको दिखाता हूँ गार्ड वाले रूम में आपको ले चलता हूँ चलिए चलिए Thank you.
आज की कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है इसमें। मतलब खाली है भाभी जी, अलका भाभी दिमाग जैसा। संतु, बड़ी भाभी है ऐसे नहीं बोलते, बहुत गलत बात है। ठीक है, इसमें तो कुछ मिला ही नहीं, फिर पापा अंदर आए कहां से? आदि से बहुत प्यार करते हैं, मैं इसका हाथ थामा है पर आपका हाथ कभी छोड़ा नहीं है पापा। ये जज्बा, ये जुनून, ये सब आप ही ने दिया है, ये जोत आपने जलाई है और अब आदि उसे हर तूफान से बचा रहा है। पापा आइए हमारे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? सरप्राइज सिर्फ तुम ही दे सकती हो, हम नहीं। आइए मयंक, आइए हमारे साथ। आओ पापा, आइए। अरे काकी, अरे सभी लोग आ जाओ। खुशबू, काव्या दीदी आइए। अरे आओ जल्दी जल्दी आइए। हादी, ये सब क्या है? तुम कह रही थी ना कि शादी हो गई पर कुछ अधूरा सा रह गया, संगीत, सजावट, विदाई, तो आज हम वो सब पूरा करेंगे। तुम देखती जाओ। तो एक थी नई दुल्हन, इसके पापा उसके संगीत पर खूब नाचे, गले लगा के आशीर्वाद भी दिया और लग रहा है कि विदाई के वक्त खूब रोए होंगे। जा। थैंक यू, पर फिर भी तुम एक अधूरी चीज भूल गए। क्या? पति, हमारे साथ डांस करोगे? आर्मी प्रधान, चल आर्मी प्रधान, इधर हमारे पापा को नशा खिलाया, सबके सामने बेच दे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। भाभी जी, आप जल्दी घर आओ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरे कुछ और ठीक नहीं है भाभी जी, आपका भाई खूब चिल्ला रहा है और पिट भी रहा है। पर क्यों, कौन पीट रहा है? कैसे भूमि पूजन होता है? कल की आई हुई अफसर मैडम पूरे गांव का संतुलन बिगाड़ने पे लगी हुई है, पर हर गांव का अपना अपना नियम होता है कि नहीं, और इस गांव का नियम हमारे साहब तय करते हैं। ना तो यहाँ पे भूमि पूजन होगा और ना ही कोई नशा मुक्ति केंद्र बनेगा। चलो। रुक जाओ, बदतमीजी है, हमारे पापा पे हाथ उठा रहे हो तुम? हाँ,
मयंक, बात क्या है? अरे इनसे पूछो क्या बात है, बोल क्या किया मेरे पापा के साथ? अरे बोल क्या किया आपने? क्या कह रहा है मयंक? अबे बोलेगा या हम बताए? नहीं चाचा, क्या किया आपने बताइए हमें, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए, क्या किया आपने बताइए हमें, क्या किया आपने बताइए हमें? काव्या के पापा की चाय में नशीली दवाई मिला दी थी। आदि, आदि पीछा जाओ। मन बुद्धि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो कभी भी, मालूम था हमें, तुमने किया ये, तुमने क्या? हमने ही किया है। और हम आगे भी करेंगे क्योंकि हमें कोई अफसोस नहीं है, नफरत करते हैं हम काव्या से, इसके परिवार से सबसे नफरत है हमें। बस बस हो गई भैया, हमारी पत्नी उसके परिवार के बारे में एक और नाक बोलता हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलेंगे हम, रोक के दिखा, दो कौड़ी के नीच लोग हैं ये। हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं है और इस घर के समधी बने बैठे हैं। इतनी पागल लड़की को एक अमीर लौंडे के पीछे लगा दिया और तू फंस गया छोटे भैया। आदि, आदि हटो पीछे, आदि छोड़ो हमें, काव्या क्या बकवास कर रही है, छोड़ो हमें। एक दो कौड़ी की लौंडिया के लिए नहीं आदि, मार ना, हाथ क्यों रोक लिया, मार। ओमे चुप कर। आदि बड़े भाई है तुम्हारे, नहीं आज तुम बीच में नहीं बोलोगे, नीच बाप की नीच बेटी हो तुम, तुम लोगों पे थूकते नहीं हो। तुम्हारा क्या भैया? पापा एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, सब इसके कारण हो रहा है। काव्या चुप करो, बड़े भाई है तुम्हारे, बड़े भाई है तो क्या, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मुंह तोड़ देंगे इनका। नहीं आदि, हाथ उठाने से बात आगे बढ़ेगी बस। तो क्या गलत कर रहा है आदि? बिल्कुल नहीं, वो भाई है। तो हम क्या है तुम्हारे, ये क्या है? तुम्हारे पापा की कोई भी बेइज्जती कर लेगा तो तुम उसका साथ दोगी, तुम मायके की जगह ससुराल का साथ दोगी। अगर इतना ही शौक है ना बटुए गरम करने का तो आग लगा दे उसे। अगर एक आईएएस ऑफिसर को घूस देने की कोशिश की तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। चलिए सफाई चालू करिए, आज भूमि पूजन है और होगा। अरे ओ अफसर मैडम, आप ना बहुत बड़ी गलती कर रही है, हमने यहाँ पे कचरों का पहाड़ बना के रखा है, आपके लफंडर ये साफ करते करते हार जाएंगे लेकिन साफ नहीं होगा ये कचरा। हेलो, जितना कचरा ला सकते हो ले आओ, सरकार के पास हाथों की कमी नहीं है। सफाई चालू करिए। हेलो सर, काव्या बंसल बोल रहे हैं। सर यहाँ भवलपुर में कुछ गुंडे उपद्रव मचा रहे हैं, काम करने से रोक रहे हैं, हमें पुलिस प्रोटेक्शन और मजदूरों की जरूरत है। सोच क्या रहे हो, ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ना माफी मांगे तुम नीचे गिर जाओगे, माफी मांगो आदि से। आई एम सॉरी, माफ करता हूँ। हमसे नहीं,
काव्या के पापा से माफी मांगी है। सही कह रहा है वो, गुनहगार हो तुम काव्या के पिता के, तो माफी देने के हकदार भी हुई है। देखो ओमी बेटा, तुम दोनों जो है मेरे दोनों हाथ हो, मेरी ताकत इसी में है कि तुम दोनों एक साथ रहो, एक साथ हो। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आदि बेटा, तुम ओमी को लेकर के राजू जी के घर जाओ। हाँ ओमी, आदि बेटा, तुम चाहते थे ना कि हम बदलें, तो बेटा हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटा तुम्हारी आंखों में हम अपने लिए शंका देख रहे हैं। सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगता, गंगा कभी उल्टी नहीं बहती, इसी का आपने दिए नेताजी। सब बह गया बेटा पुत्र मोह में, गलतियां की हमने, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। बस बेटा एक मौका दे दो अपने दिल में जगह बनाने के लिए, सच कह रहे, सिर्फ एक मौका। पहली बार अपने घर में दोनों बेटों की आंखों में एक दूसरे के प्रति नफरत दिखी है मुझे, और ये सब काव्या तुम्हारी वजह से हुआ है। हम 100 गुना माफ कर सकते हैं, लेकिन प्रधान परिवार को तोड़ने की सजा तुम्हें भुगतनी होगी काव्या। पापा जी ने क्यों बुलाया था तुम्हें? लगता है तुम्हारा जादू चल गया। गिरिराज प्रधान आज अपने बेटे को ज्ञान देने के लिए बुलाए थे, कह रहे थे कि भाई कभी लड़ते नहीं है, माफी मांगो। देखा हमने क्या कहा था। उन्नो काव्या, तुम और नेताजी काफी हद तक एक जैसे हो। वो कहते हैं ना कि हम हमेशा अपने पार्टनर में अपनी मम्मी या पापा की झलक ढूंढते हैं। हाँ झलक तक ठीक है, बाकी सब अलग है। अच्छा देखो हमारे साथ फ्लर्ट मत करो, हम काम पे। पर इस बात का तो कोई शक नहीं है कि वो प्यार तो बहुत करते हैं तुमसे। आज पहली बार हमें भी उस बात पे शक हुआ। वैसे तुम हो कहाँ? जल्दबाजी में हमने पूछा नहीं। वही हम नशा मुक्ति केंद्र की साइट पे भूमि पूजन की तैयारियां करवा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा सुनो, हम बाद में बात करते हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? अरे काव्या तुम्हें सरप्राइज का मतलब नहीं पता क्या? हमेशा क्या वेट करो, और हाँ जो भी है तुम्हें अच्छा लगेगा। बाय। ओके बाय। दीदी सर ने पुलिस वाले भेजे हैं। चलो बस इतने ही ऑफिसर्स, सिर्फ आप लोग हमारी रक्षा कैसे करेंगे? और आदमी तो है नहीं, सारे लोग 26 जनवरी के समारोह में बिजी हैं। हमने फुल बैकअप टीम मांगी थी, हमें और लोग चाहिए। बहुत ऊपर तक है, ये लोग आपका केंद्र नहीं खुलने देंगे। केंद्र बनेगा और यही बनेगा। अरे ये इससे कैसे बनेगा?
गन्ने की फैक्ट्री के आदमी यहाँ टेम्पो भर भर के कूड़ा फेंक रहे हैं और हम इन्हें नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फोर्स नहीं है। देखिए मैडम, हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, पर डिप्लॉय करने के लिए फोर्स होनी भी तो चाहिए। आज सब ड्यूटी पे है और उन्हें वापस बुलाने में घंटों लग जाएंगे, तो जितने भेजे हैं फिलहाल उन्हीं से काम चलाइए। ठीक है सर, फिर हम आपातकालीन परिस्थिति में फायरिंग का ऑर्डर दे देंगे। मेमो लिख देंगे कि आपको स्थिति की गंभीरता से अवगत कराने के बावजूद आप आवश्यक सहायता प्रदान करने में असमर्थ रहे, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ रही है। रुको, पीछे हो जाओ, जाओ पीछे, सब पीछे जाओ, पीछे जाइए, आप भी पीछे जाइए, सब पीछे हो। क्या करना है, कचड़ा उड़ाओगे ना, झाड़ू उठाइए आप सर। जो कर सकते हो करो। ठीक है सर। देखिए, जनता की आवाज हम सबके लिए सर्वोपरि होती है, उनके कोई भी शब्द हमारे लिए आदेश है, तो जनता का आदेश हमारे लिए पूर्णतः मान्य होगा। काव्या बेटा, हम आज जो भी है वो सिर्फ अपने परिवार की वजह से। पहले हमें हमारे मम्मी पापा ने प्रोत्साहन दिया और अब हमारा ससुराल हमारा सहारा बन गया, तो आज हम अपने ससुर जी श्री गिरिराज प्रधान जी से अनुरोध करते हैं कि वो यहाँ पे हमारा साथ दें झंडा फहराने में। जब हम 10 साल के थे तब हमारे पापा हमें 26 जनवरी की परेड दिखाने के लिए दिल्ली लेके गए थे, वो दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। राजपथ में कदम से कदम मिलाकर चलते फौजी जवान, देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोग, उनके अलग अलग कपड़े, झांकियां, संगीत, नाच, हमें ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश हमारे सामने, पूरा भारत हमारे सामने। तब हमने अपने पापा से पूछा कि पापा क्या हम इनसे बहुत अलग हैं, और तब हमारे पापा ने कहा कि कभी भी किसी की भाषा, कपड़े या धर्म मत देखो, क्योंकि सबका दिल एक है, देश प्रेम की भावना एक है, सेवा करने का जज्बा एक है, सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। तो चलिए आज इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर एक बार हम सब साथ में कहते हैं कि हम सब एक हैं। अरे ताली बजा, देख तेरी दीदी क्या कर रही है, क्या हुआ? जानती हो ये क्या है? हमारे जो सीएम साहब है ना, हमारे राज्य के,
उन्होंने हमें नियुक्त किया है झंडा फहराने के लिए 26 जनवरी को। गिरिराज जी, आपकी बहू हीरा है, हीरा। आदर्श भारतीय नारी कैसी होती है ना, इनको देखो। मुश्किल चुनौती चाहते हो ना तुम, वही देखे। हमारी नवया को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। काव्या की इतनी कोशिश के बाद अस्पताल तो फिर से खुल गया, लेकिन नविया के नाम पर लगी कालिक नहीं मिट पाई। आज भी जब इसका कहीं जिक्र होता है तो खुद ही डॉक्टर ही कहा जाता है। अपनी नविया को इंसाफ दिलवा दो कि जो असली गुनहगार है वो तो बाहर खुले हम घूम रहे हैं। उन्हें सजा नहीं मिलेगी, हमारी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना ही हमें चैन। हमारी बेटी पे लगा कलंक मिटा दो। कर सकते हो ऐसा? अगर हाथ तो हम तुम्हें अपना दामाद स्वीकार कर लेंगे। ठीक है पापा, चैलेंज एक्सेप्टेड। हम काव्य के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाना इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम कर लेंगे। प्रधान की जगह उनकी बहू काव्या बंसल प्रधान को दिया गया 26 जनवरी के उपलक्ष्य में झंडा फहराने का अवसर। बड़े साहब बोले थे कि झंडा वो फहराएंगे, लेकिन भाभी जी तो यहाँ जलवा बिखेर रही है। भैया जी, भाभी जी टीवी में। वाह संतोष, ताली बजाना तो बनता है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। आज सही माने में प्रधान परिवार जो है झंडे गाड़ रहा है। क्यों आदि, सही कह रहे हैं? हमारी बीवी, बहुत गर्व है हमें काव्या पे। और हमारी बहू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी विद्या ने कमाल किया है। झंडा हमको फहराना था वैसे, मगर कोई बात नहीं, हमारी बहू ने फहराया, एक ही बात है ना। पापा, काव्या ने बहुत मेहनत किया तक पहुंचने के लिए, अब वो ट्रेनी से एक आईएएस ऑफिसर बन जाएगी। हाँ, ये मनाइए उसे डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल मिल जाए बस। बिल्कुल मिलेगा। आदि बेटा, बहू से कहो कि आज अच्छे किस्म का कोई मीठा बनाए सबके लिए। हमें टोपा समझते हैं ना आप? आपके जूते के नीचे से कालीन खींच के ले गई वो लौंडिया, अब पता चला कैसा कलेजा जलता है पापा। ये लड़की हमारा कालीन क्या खींचेगी, इसकी हमने धरती नहीं हिला दी तो हमारा नाम गिरिराज प्रधान नहीं।
पापा जो भी करना होगा तुरंत करना होगा। हमें तो डर लग रहा है कि कहीं वो अपने बहन नव्या के केस के तह तक ना पहुंच जाए। यदि अगर ऐसा हो गया तो हमारा तो कल्याण है, समझिए, या जेल होगी। चुप, जब भी मुझसे बात निकालते हो मैं उस बात निकालते हूं, चुप हो जाता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।